बाढ़। बहुत बगत का बाद दुनिया में बहुत सारा लोग रौंद छा। उ बहुत दुष्ट और अन्योकन वाला वेगे छा। सब कुछ इत बुर वेगे छो कि पिता परमेश्वर आखिरकार फैसला कैरी कि एक बड़ी बाड़ल ई पूरी दुनिया ते खत्म करे जो। पर पिता परमेश्वर नू नौ का आदिम बटी खुश छो। वो एक धर्मी आदिम छो जो दुष्ट लोगों का बीच में रौंद छो। पिता परमेश्वर नू ते बतेई कि वो एक विशाल बाढ़ ते लाण वाल छ। इले पिता परमेश्वर एक बड़ी नाव बनाणु को बोली जो लगभग 140 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 13.5 मीटर ऊंची छे। नू ते वी नाव ते लकड़ा ल बनाण छो और वामा तीन खाना, बहुत सी भीतर, एक छत और एक खिड़की बने। उन नाव नू वे का परिवार और धरती का हर किस्म का जानवरों ते वीन बाढ़ बटी बचाल। नूल पिता परमेश्वर की आज्ञा मानी वेल और वे का तीन नौनूल जन पिता परमेश्वर वे ते बते छो किले की वह नाव बहुत बड़ी छे। इले वी नाव ते बनाण मा बहुत साल लगिन। नूल लुखू ते आण वाली बाढ़ का बारे मा चिते और ऊते पिता परमेश्वर का तरपा फिरणु को बोली पर ऊल वे पर विश्वास निकेर। पिता परमेश्वर नू और वे का परिवार ते अपकु और जानवरों को पूर खाणु कट्ठा कनु को भी आज्ञा दीन। जब सभी कुछ तैयार वेगे ते पिता परमेश्वर नू को बोली कि यु भगत वे का वे की जननों को वे का तीन नौनु को और ऊ की जननों को कुल मिले के 8 लोगों को नाव पर जाणु को छो। पिता परमेश्वर हर जानवर और चलखुड़ों का नर और मादते नू में भेज की उ नाव में जैसा का और बाढ़ का बगत ठीक रह सकुन। पिता परमेश्वर इन हर किस्म का जानवरों का 7 नर और 7 मादाओं ते भेजी जू ते बलिदान चढ़ाणु को इस्तेमाल किए जैसा। जब उ सभी नाव में पहुँच गिन तो आप ही पिता परमेश्वर नाव का द्वार बंद कर दिन। तब बरखा होण शुरू हुए और बरखा होनी रहे। बगैर रुकियां 40 दिन और 40 रातों तक बरखा होनी ही रही। सारी दुनिया की हर चीज इक तक की ऊंचा ऊंचा डांडा भी डूब गिन। सूखी धरती पर रोण वाली हर चीज मर गए। ऊ लुखों ते और जानवरों ते छोड़ के व नाव पानी में तैर दी रहे और नाव का भीतर की हर चीज ते डूबण से सुरक्षित रही। बरखा का रुकी जाने का बाद 5 महीने तक नाव पानी में तैरनी रही और वे बगत में फिर पानी कम होने लग गए। तब एक दिन नाव फिर डांडा की चोटी पर ठहर गए पर दुनिया अभी भी पानी ले भरी छे। 3 महीने बाद डांडों पर की चोटी दिखेण लग गए। तब और 40 दिनों का बाद नूल एक कवते युद्धकुण को भेजी कि क्या पानी सूख च कि ना। उ कौवा सुखी धरती की खोज में इन्हें उन्हें घूम दी रही पर वे ते कोई जगह नहीं मिली। तब बाद में नूल एक कबूतरी ते भैर भेजी पर वे ते भी कोई सुखी धरती नहीं मिली। इले वो नू में वापिस है गए। एक हफ्ता बाद वे कबूतरी ते दोबारा भेजी और उ अपना चूंच में एक जैतून की कुंगली पत्तों की ठूसी लेके ए पानी घटनु छो और पौधा दोबारा उगण लग गया छा। नू एक हफ्ता और इंतजार करी और तीसरी बार वे कबूतर ते भेज। ई बार वे थे रुकने की जगह मिली और उ वापस नहीं आए किले की पैंट सुखनु छो। 2 महीने बाद पिता परमेश्वर नू को बोली अब तू और तेरो परिवार और सभी जानवर नाव बैठी निकल आवा। बीजा नौ नबालों ते पैदा करा और पृथ्वी में भुरे जावा। तब नू और वे को परिवार नाव बटी भैर गए। नू का नाव बटी भैरोण का बाद वेल एक वेदी बनाई और बलि को इस्तेमाल करे जय सखण वाला हर एक जानवरों में बटी कुछ ते लेके बलि चढ़े। पिता परमेश्वर वी बलि बटी बहुत खुश हुए और नू और वे का परिवार ते आशीष दीन। पिता परमेश्वर बोली मी वादा कर दू कि मनखियों द्वारा किए जाण वाला बुरा कामों का द्वारा मी फिर कभी धरती ते श्राप नहीं दियोल। मी न तो बाढ़ का द्वारा नाश करोलू
जबकि मनिख अपन बचपन बटी ही पापी च। फिर परमेश्वर ल अपनी वाचा का रूप में पहलू मेघधनुष बनाई। जब कभी भी मेघधनुष दिखे देंद तो पिता परमेश्वर याद कर लो कि वेल के वादा और उन्हीं ही वे का लोग भी याद कर ला। उत्पत्ति 6 से 8 बटी बाइबल की एक कथा।